हेलो एवरीवन। तो ये कैरियर का एसी 1.5 टन, और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था 33,500 में, और इंस्टॉलेशन का करीब 3,000 लगा था। और इस एसी को मुझे यूज़ किए हुए करीब 6 महीने हो गए हैं, और ये एसी 4 स्टार रेटेड है। तो आज मैं वही बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, 6 महीने में कोई प्रॉब्लम आई कि नहीं। और ये कैरियर काफ़ी पुरानी कंपनी है एसी बनाने में। तो सबसे पहले मैं एसी चालू कर देता हूँ। और इस एसी का रिमोट थोड़ा बड़ा आता है, जैसे पुराने रिमोट आते थे, पूरा ब्लैक कलर में आता है। सिंपली आपको एक बार प्रेस करके ऑन कर देना है एसी। और नॉर्मली मैं 24 पे रखता हूँ टेम्परेचर, 5 से 7 मिनट में ठंडा हो जाता है। और ये एक बात इरिटेटिंग है, आपको एसी ऑन करने के बाद हर बार स्विंग का बटन दबाना पड़ेगा फ़ैन को ऊपर नीचे करने के लिए। लेकिन एक बात है, इस एसी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है रूम में, एयर की भी आवाज़ बिल्कुल नहीं है। तो इस एसी की 1 साल वारंटी प्रोडक्ट पे है, 5 साल पीसीबी पे और 10 साल कंप्रेसर पे। और इस एसी के साथ 3 सर्विस फ्री आती है 1 साल में, यानी कि पहले 3 सर्विस फ्री आएगी। मैं आपको बाहर कंप्रेसर का आवाज़ भी सुना देता हूँ। कंप्रेसर का आवाज़ भी बहुत कम आता है, हमारी पुरानी वोल्टास की एसी में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आता था। और ये कंप्रेसर का स्टैंड आपको अलग से लेना पड़ता है, ये एसी के बॉक्स में नहीं आता, वो इंस्टॉलेशन वाले लेके आएंगे, या आप अपने हिसाब से भी ऑर्डर कर सकते हैं स्टैंड। और इंस्टॉलेशन के लिए 2 लोग आए थे, दोनों ही लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने एकदम अच्छे से फिटिंग की एसी की। कई लोगों के मैं कमेंट वगैरह पढ़ता हूँ, उनकी एसी की फ़िटिंग बराबर नहीं होती, यानी इंस्टॉलेशन अच्छे से नहीं होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब जब आपकी सर्विस की ड्यू होगी, आपको मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा या कॉल आ जाएगा। और एक अजीब बात थी, ये प्लग नहीं आता है, सिर्फ वायर आती है, प्लग हमको बाहर से लेना पड़ता है। और इस एसी में 5 स्टार वाला भी मॉडल आता है, लेकिन वो 40,000 के ऊपर है। और अभी इस एसी का प्राइस है कुछ 38,000, और इसे मैंने फ़्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे में ख़रीदा था। सेल में ही एसी काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, तो आप भी वेट करें सेल का, बाद में ही एसी ख़रीदें। तो रिमोट के ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले स्विंग का बटन है, उसके बाद में टर्बो का बटन है, टर्बो में एसी अपनी पूरी ताकत लगा देगा। और उसके बाद स्टेप का बटन है, आप फ़ैन को कहीं भी एक जगह स्टॉप कर सकते हैं, वो स्विंग नहीं होगा, अब एक जगह कहीं भी रुका सकते हैं वो फ़ैन को। और फिर नॉर्मल से ऊपर नीचे टेम्परेचर करने के बटन, और फिर फ़ैन का बटन आता है, आप फ़ैन की स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं या फिर ऑटो पर रख सकते हैं। और फिर अलग अलग मोड आते हैं, कूल, ड्राई, हॉट या ऑटो में रख सकते हैं आप, लेकिन बेहतर यही रहेगा कूल में रखें। उसके बाद आता है ओपीटी, और इसमें भी 4 अलग अलग मोड आते हैं, फॉलो मी, इको, सेल्फ क्लीन और प्लाज्मा। अगर वो आपको जानना है तो आप देख सकते हैं मेरी रिमोट वाली वीडियो, इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर आता है टाइमर का बटन, सिर्फ आपको टाइम सेलेक्ट करके छोड़ देना है। पहले 1 लाइट जल रही थी, अब 2 लाइट चालू हो जाएगी एसी में जब आप टाइमर सेट करोगे। उसके बाद आता है नाइट मोड, उसमें एसी रात को 7 घंटे तक चलेगा। जैसे आपने 24 पर सेट किया, तो एक एक घंटे में एक एक टेम्परेचर डाउन होगा। उसके बाद नीचे आता है लाइट का बटन, आप लाइट बंद कर सकते हैं, उससे चालू भी कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं 3 बटन, इसे फ्लेक्सी कूल कहते हैं। इसमें पहला बटन दबाने से एसी 50% पे चलेगा, दूसरा बटन दबाने से 75%, और तीसरा बटन दबाने पे एसी अपनी पूरी 100% ताकत लगा देगा। और इन 3 बटन के ऊपर ये एक माय का बटन है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं एसी को। जैसे कि आपने 24 पे सेट कर दिया और आपने एसी बंद कर दिया, नेक्स्ट टाइम आप चालू करोगे माय के बटन को दबाए, वो 24 से स्टार्ट होगा। जैसे कि कार की सीट में आता है मेमोरी फंक्शन, वैसा ही कुछ है ये।
और एसी काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल बात करें अभी तक मुझे 6 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वैसे रेगुलर मैं चलाता हूँ। वैसे हमको एलजी का एसी लेना था लेकिन वो सेल में भी 40,000 के ऊपर था और हमारा बजट 35-36 तक ही था। और देखा जाए तो ये एसी मुझे काफ़ी सस्ते में मिला है। और इस एसी में कम से कम टेम्परेचर 17 का है। और मैक्सिमम टेम्परेचर 31 का है। और बात करें रिमोट की, रिमोट भी ठीक ही है, थोड़ा बड़ा है। रिमोट की बैटरीज भी इसके साथ ही आती है, लेकिन एक रिमोट रखने का स्टैंड देना चाहिए था जो कि दीवार में लगाते हैं। मेरे दोस्त के पास पैनासोनिक का एसी है, उसमें रिमोट का स्टैंड आता है। और अगर आपको एसी बंद करना है आपको सिंपली ऑफ़ कर देना है एसी को, एक बार खाली फ़ैन चलेगा एसी का 5 से 7 मिनट में वो भी बंद हो जाएगा। एसी बंद करने के बाद बाहर का कंप्रेसर भी चालू रहेगा कुछ मिनट, वो भी बंद हो जाएगा कुछ देर में। हमारा पुराना एसी भी सेम जगह पे लगा हुआ था तो हमारी दीवार में ड्रिल वगैरह करना नहीं पड़ा क्योंकि पुराने एसी के होल किए हुए थे। अगर आप पहली बार एसी ले रहे हो तो आप में ड्रिल वगैरह होगा तो आपका इंस्टॉलेशन का खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। और टोटल मुझे 6 महीने हुए थे एसी को यूज़ किए हुए और करीब 3 महीने बाद ही मुझे एसी की सर्विस का मैसेज आ गया था। तो हमारी सर्विस भी एक सर्विस हो चुकी है फ्री वाली, कोई भी चार्ज नहीं देना है आपको सर्विस में। तो वेट कर दे एसी के बंद होने का। तो एग्जैक्ट 5 मिनट बाद एसी बंद हो चुका है और बाहर का कंप्रेसर भी। तो अब बात करें एसी की कि आपको लेना चाहिए कि नहीं, और आप बिल्कुल ले सकते हैं। मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई एसी में और कैरियर की सर्विस भी अच्छी थी। एक दिन मुझे कॉल आया सर्विस के लिए और नेक्स्ट डे आदमी आ चुका था कैरियर का सर्विस करने। तो बस यही था वीडियो में। अगर आपको इस एसी के रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कुछ आपको और कुछ भी बताना है तो आप बता सकते हैं नीचे कमेंट में। तो बस मिलते हैं नई वीडियो में।